हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और बहुत गर्मी है, तो गर्मी और मतलब धूप से तो बच के ही रहे, क्योंकि बाहर लगते ही लू लग जाएगा। ऐसी कंडीशन है यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री 50 के आसपास चल रहा है। बहुत बुरा हाल हो रखा है गर्मी से, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। तो मनी जा चुके हैं ऑफिस और आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो बाहर के हालात आपको दिख ही रहा है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, पूरा बहुत अच्छा खासा धूप हो रखा है। यहाँ पे सुबह की पूजा हो चुकी है, अब बारी है थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने की। बहुतों का कमेंट आया था कि इतनी गर्मी में आप लोग कैसे रह रहे हो वहाँ पे, मतलब कुछ होना चाहिए। सबसे ऊपर वाला, ये बात तो सही है कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे तो गर्मी भी जबरदस्त पड़ती है भाई साहब, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो सुबह के खाने के लिए मैं ये खरबूज और कीवी है ये रखा है, और ये थोड़ा सा मीठा, और ये है चिया सीड। कुछ खाते हैं नहीं तो मुझे भूख के मारे मेरी जान चली जाएगी। तो लगी है अभी छोटी मोटी भूख, क्यों ना कुछ बना लिया जाए और खा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी, पता नहीं मैं किस किस्म का सूपी सूपी मैगी बना रही हूँ। फटाफट बने और फिर मैं खाऊंगी, मुझे भूख लगी बहुत तेज। शुगर फ्री था, मतलब वो मेरे पास एक मैगी पड़ा हुआ था, नहीं तो मैं सोचती रहती क्या खाऊ क्या खाऊ। अभी तो इसको बनने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। गरम गरम हवा लग रहा है। तो वक्त आ गया इस गुल्लक को फोड़ने का, आज मैं फोड़ डालूंगी इसको। मनीष ने देख लिया ना तो गया सारा। मुझे काफी देर से टेंशन हो रहा था कि कहीं मेरा गुल्लक में मेरा ये पैसे खराब ना हो जाए। फाइनली मेरा गुल्लक बचा हुआ, पैसे बचे हुए हैं। मशीन दी जांच ते तीजा नियम है भुगतान दी रसी कोई नुकसान ना हो। आरबीआई का हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कोई बात नहीं, सभी गुस्से में तो इट्स ओके, मैं बना दूंगा। नहीं, आप गलत चैनल पे मत नहीं आए हैं, ये मत सोचिए गलत चैनल पे, सही चैनल पे आए हैं। बस ब्लॉग किसी और ने शुरू करा है, ठीक है ना? तो रणवीर ने शुरू किया। हाँ, मतलब आप जैसे नॉर्मली शुरू करते हैं तो आज मैंने कर दिया। मुझे ऐसे करके देखना पड़ रहा है। अब ठीक है, हाँ आप लग रहे हैं ना मेरे भांजा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं अभी इनके पास नए, ठीक है ना? तो आज बन रहा है मछली, जैसे कि आप अंदर देख सकते हैं, ये बना रहे हैं। खाते नहीं है, पैर सुन्न हो जाएंगे मेरे। हाँ, तो अभी यहाँ पे बन रही है मछली, और मछली को बस बनने वाली है, ज्यादा भी टाइम नहीं है। ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो बन रही है बिहारी मछली, बिहारी स्टाइल ये मछली है। मोस्टली लोग मछली कैसे बनाते हैं? कैसे? जैसे चिकन का मसाला तैयार करते हैं ना, सिर्फ मसाला तैयार करते हैं और फिश को ना फ्राई नहीं करते, वो डायरेक्ट दाल से पका देते हैं कच्ची। हाँ, टाइप ऑफ पका देते, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है, बस मुझे तो अपने बिहारी स्टाइल पसंद है। और तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मसाला इसमें कोट करके बस जो लोग नहीं खाते हैं इसको अंदर डाल दिया तेल में, वो फ्राई होगा और उस तरीके से जल के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? फ्राई होके बाहर। अभी एक बहुत तगड़ा सीन हुआ है, व्लॉग शुरू होते ही सीन हो गया, मच्छी फटी और तेल बाहर फेंका, मतलब मछली में से जो ऑयल है जिसमें फ्राई हो रहा है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो उड़ के बाहर आया, तो मेरे भी हाथ पे लगा, उनके भी थोड़ा लगा, तो वही वो सब तो चलता रहेगा। बाकी मैं और मम्मा आ रखे हैं, ठीक है, मामा भी आ रखे हैं, वो दोनों कुछ बात कर रहे हैं, उनको छोड़ो, ठीक है ना, भाई बहन है। और तो मछली यहाँ पे बन रही है, बाकी मेरे को डिसाइड करना है, बिकॉज मैं मछली तो खाता नहीं, तो मेरे को डिसाइड करना है कि मैं क्या खाऊंगा। तो एक बार मम्मा आ जाए,
फिर उनसे बात करके देखते हैं कि मेरे लिए क्या बनेगा, है ना। ये देखो तगड़े तरीके से फ्राई हो रहा है, इतनी दूरी से, इतनी दूरी बना के फ्राई हो रहा है। अभी वो उछला है इस वजह से मछली पकी है। मछली तो अभी हो गया कांड, ज्यादा अच्छी है। अभी हो गया कांड और उसमें से ना कुछ फट के बाहर आया तो वो आग हाथ तक जल गया, रणवीर बच गए। नहीं तो अगर ये उस साइड से बना रहे होते तो इनका मेरा मुंह जल गया। मैंने तो खाना भी नहीं था लेकिन मुंह जरूर जला लिया। मेरा मुंह सबसे पहले जलता, मेरा मुंह सबसे पहले जलता। सही बात है, तो दूरी बना के रखते हैं।